అంటే అన్నేచురల్ లైన్స్ తో जिससे मैं कांग्रेस के वर्कर का सामना नहीं कर पा रहा, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब जिस तरीके से मेरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है, प्रभारी बयान दे रहे हैं, आप पार्टी से दिला रहे हैं, मैं तो कार्यकर्ता रहना चाहता हूँ अगर ये रहने देंगे तो। सर जितनी जल्दी रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट हो गया, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा या फिर आपके... खुशी है मुझे कि कांग्रेस में फैसले जल्दी होने लग गए। आप लोग खामखा इल्जाम लगाते हो कि पार्टी में फैसले नहीं जल्दी होते। सर उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ आपसे, बोला गया कि नहीं? बिजी सब लोग बिजी हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो सर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद भी कोई कम्युनिकेशन आया हो कि? मैंने बताया ना आपको, सब व्यस्त हैं और बहुत सबके पास काम है। तो सर आपको नहीं लगता कि इस अहम पल पर जब लोकसभा इलेक्शन सर पर है दिल्ली में, उस टाइम आपका रेजिग्नेशन भारी पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि काफी वर्कर्स बटे हुए हैं? अब 4 घंटे में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद भी आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई है नहीं है, तो उनको लगता होगा नहीं भारी पड़ेगा। सर जनरल सेक्रेटरी के साथ भी आपकी कुछ अनबन रही है, लेटर में भी मेंशन है, क्या रीजन है? अब जनरल सेक्रेटरी का व्यूज अलग है, मेरे व्यू अलग है। मैं कहता हूँ कि जो वर्कर नाराज है उसको मनाना चाहिए, वो कहते हैं उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हमारे लीडर्स की फ़ोटो नहीं लगा रहे, तो हमको कम से कम अपने कैंडिडेट्स को तो कहना चाहिए कि हमारे लीडर की फ़ोटो लगाओ, वो भी केजरीवाल की फ़ोटो लगाएं, वो भी केजरीवाल की फ़ोटो लगाएं, तो हम अपनी दुकान बंद ही कर दें। जो हाईकमान से कहाँ गलती रह गई कि ये नीचे की बात समझ नहीं पाए? गलती नहीं रह गई, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूँ और वो समझदार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न केवल इतने भर का है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले, ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले इनफॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे पीसीसी को, तो मैं समझता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ ऐसे माहौल में एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट काम करने को। एज अ कार्यकर्ता काम करने को तैयार हूँ अगर ये चाहेंगे तो, अब ये रखना नहीं चाहते तो उसकी अलग बात है। मैं एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं। सर ये अटकलें लगाई जा रही है कि आपको जो कैंडिडेट चुने गए थे उनसे प्रॉब्लम थी या फिर आपको सीट नहीं मिली उस चीज़ से? नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे इससे प्रॉब्लम थी कि जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनको कम से कम पार्टी लाइन तो पता होनी चाहिए। एक उम्मीदवार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, उस कॉलेज का नाम बताएं जो खोल दिया। हमारी ये लाइन तो नहीं है, हम मिलकर जरूर चुनाव लड़ रहे थे।
एक कह रहा है कि 4% की पार्टी है, इससे क्या काम लें, कैसे जस्टिफाई करूं मैं अपने वर्कर को। तो मैंने इन हालात में काम करने में असमर्थता जताई है। सर, आप अलायंस से खुश नहीं थे क्या, जो दिल्ली में अलायंस, क्योंकि बहुत टाइम से ये प्रश्न मेरे खुश होने का या नहीं होने का नहीं है। नेचुरली हम अनकंफर्टेबल हैं अलायंस से सारी, और कांग्रेस का स्टैंड रहा है, अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हों, संदीप दीक्षित ने की हों, अनिल चौधरी ने की हों, मैंने हालांकि कभी नहीं करी क्योंकि मैं व्यक्तिगत आरोप में कभी विश्वास नहीं रखता हूँ। तो जो भी पार्टी की लाइन थी उसको हमने फॉलो किया, ना केवल फॉलो किया बल्कि पूरी कैडर को उसमें लगाया। लेकिन ये अननेचुरल अलायंस तो है ही है। अब वो अलायंस जो है हमारे पे इतना भावी हो गया कि उनके कैंडिडेट को तो छोड़ो, हमारे अपने कैंडिडेट भी उनकी फोटो लगा रहे हैं, तो मैं तो तैयार नहीं हूँ इसके लिए। बट सर, क्या ऐसा लगता है कि ये अलायंस ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता। और सर, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? मैं तो भी लगा रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आए। हाँ, मैंने मुझे सुना कि आप पार्टी के मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, तो मुझे पता नहीं था कि बीजेपी की टिकटों का भी फैसला वही करते हैं, तो नहीं तो चले जाते उनके पास टिकट मांगने। मैंने एज इफ नाउ मेरी पोजीशन ये है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं।